हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कृष्ण। आई एम कंसल्टेंट ईएनटी सर्जन बेस्ड इन दिल्ली। आई एम को कन्वीनर एट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आई एम ऑथर टू 55 मेडिकल बुक्स। एक बहुत कॉमन इश्यूज है बीइंग ईएनटी सर्जन, बीइंग ईएनटी स्पेशलिस्ट, वी फेस ऑन अ डेली बेसिस। सो व्हाई पेशेंट्स कम टू ईएनटी फॉर गैस्ट्रो स्टडी? बेसिकली चाहे वो एंडोस्कोपी हो या कुछ और भी हो, वो क्यों आते हैं? बेसिकली आपको देखना होगा, जो स्वेलिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ना, खाना निकलने के दौरान जो प्रॉब्लम होती है, वो बेसिकली स्वेलिंग का जो प्रोसीजर होता है वो ओरल फेज, फेरिंजियल फेज, इन सब में डिवाइडेड होता है, ठीक है ना, एसोफेजियल फेज। तो जो ओरल फेज और फेरिंजियल फेज की डिसऑर्डर्स होंगी, चाहे वो कुछ भी हो, वो जनरली ईएनटी के डोमेन में आती है। और मरीज खाना निकलने में परेशानी हो तो सबसे पहले ईएनटी के पास आता है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट ईएनटी ही होता है उसका। सो ये चीज़ ध्यान में देखना है। तो ये एक रीजन है जो ओरल फेज और फेरिंजियल फेज का एग्जामिनेशन से ले के डायग्नोसिस मैनेजमेंट जनरली ईएनटी जो सर्जन होंगे वो बेटर करेंगे। तो इसलिए जनरली मरीज आता है। तो अगर आपको ओरल फेज या फिर फेरिंजियल फेज, या आपको खाना निकलने में परेशानी हो, तो प्राइमरी ईएनटी के पास विजिट करें और उसके बाद फर्दर मैनेजमेंट और इलाज लें। थैंक यू।